अजय शंकरा नेत्र चिकित्सालय वाराणसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये सीधी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इन लोगों ने लगभग 20 जिलों को बनाया है जिसमें इनके लोग जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और हर वर्ष 30,000 लोगों का आंखों का ये लोग ऑपरेशन करेंगे, जो काफी महंगा होता है उसको भी फ्री में। अश्विन, निश्चित तौर से हरकेश, हमने तो वो दौर भी देखा है जब छोटे छोटे ये मोतियाबिंद के कैंप लगाए जाते थे, अनस्किल्ड लोग कहीं ना कहीं बेबस और ग्रामीण लोगों को ठगते थे, आंखों की रोशनी चली जाया करती थी, ये उस तरीके के क्षेत्र हुआ करते थे। मोतियाबिंद एक बड़ी समस्या ज्यादा उम्र वाले लोगों के साथ साथ तो है ही, नौजवानों के लिए भी अनेक आंख संबंधी बीमारियां हैं। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो इस बेहद राष्ट्रीय स्तर की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तो यहां होंगी ही, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निःशुल्क होगा और गरीबों के लिए लक्षित होगा तो सामाजिक कल्याण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण। जी जी सुनिए, बिल्कुल, जो सेवा भाव जो प्रधानमंत्री यह कहते हैं लोगों से, और खास तौर से जो वाराणसी है इसको वो चाहते हैं कि मेडिकल हब हो। यहाँ पर PHU में स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय है जो अपने आप में उत्तर प्रदेश के कई जिलों, नेपाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती जिले हैं उनके जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं वो उसको भी और उन्नति देते हुए एक ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर प्रधानमंत्री के कर कमलों से ही उसका भी उद्घाटन हुआ था। और वो बड़े लेवल पर जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनमें लोग घायल हो जाते हैं उनका उपचार वहां पे किया जाता है और काफी अच्छी उन्नत किस्म की सुविधाएं हैं। उसी तरह यह शंकर आई हॉस्पिटल है, ये चूंकि कांची मठ जो है उससे गवर्न होता है और कांची मठ जो सेवा भाव रखता है और नेत्र रोग के उपचार के लिए शंकर आई फाउंडेशन जाना जाता है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के लिए कांची के जो शंकराचार्य हैं वो भी आए हुए हैं, उनके आशीर्वाद के साथ ही यह लोकार्पण जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति आप समझ सकते हैं कि जो क्योंकि यहाँ के सांसद हैं प्रधानमंत्री वाराणसी के, और वो जो वाराणसी को एक विकास का रूप देना चाहते हैं उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा या शंकर आई फाउंडेशन का ये जो शंकर आई हॉस्पिटल है, चूंकि शंकर आई हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी इसमें नाम जुड़ा हुआ है। तो जो जानकारी हम लोगों को MD ने दी थी शंकर आई फाउंडेशन की, ये वर्ल्ड क्लास जो आंखों के उपचार के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो इस शंकर आई हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये कार्य करना आज लोकार्पण के बाद से कार्य करना शुरू कर देगी। अश्विन, और बहुत ही लोगों को इसलिए उत्साह होगा, खासकर बुजुर्गों को अगर देखें तो बहुत सारी नेत्र संबंधी बीमारियां होती हैं लोगों को। हरकेश, एक चीज ये जानना चाहेंगे, OPD की भी यहां पे सुविधा होगी, IPD जिस तरीके से आप बता रहे हैं ऑपरेशन की सुविधा इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में तो होगी ही, किस तरीके से इस अस्पताल का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जरूर लोगों को बताएं जिससे लोग कम से कम इसका लाभ उठा सके ज्यादा से ज्यादा। जी देखिए, ये तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये लगभग 1.5 एकड़ में बनी हुई इमारत है और इस भवन ये 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत है, इस पर एक एक फ्लोर पर जो है जैसे आपने ओपीडी का जिक्र किया ओपीडी है। और मैं आपको एक और खास बताऊं कि प्रधानमंत्री खुद इस भवन में जो है विजिट कर रहे हैं, तो जो ऑपरेशन थिएटर है ऑपरेशन थिएटर में भी वो देखने गए हैं और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं आंखों के उपचार के लिए, आंखों के रोगों के उपचार के लिए, वो यहाँ के 4th फ्लोर पर मौजूद हैं। और ये जो आपने कहा जो ओपीडी के लिए, तो ओपीडी से लेकर जिस भी तरह की आंखों की समस्या होती है, रोग होते हैं, उनके उपचार के लिए आप कह सकते हैं मतलब ज्यादा से ज्यादा जो उन्नत किस्म की मशीनें हैं और जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध चिकित्सक हैं आंखों के वो इस हॉस्पिटल में, इस फाउंडेशन में जो शंकर आई फाउंडेशन है उसमें मौजूद हैं। ये चूंकि कांची के मठ से संचालित होती है और कोयम्बटूर में इसका हेडक्वार्टर है, तो वहां से भी बहुत से जो चिकित्सक हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे वो कार्य करेंगे इस शंकर आई हॉस्पिटल जो वाराणसी में आज लोकार्पित हो रहा है। जी हरकेश, अगर देखें तो ये तो एक स्वास्थ्य संबंधी उपहार है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे आज के दौरे के दौरान तकरीबन 3,200 करोड़ रुपए की और सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो या फिर अन्य टर्मिनल का विस्तार हो, क्या अन्य कार्यक्रम है और क्या अन्य कुछ उपहार सौगात
क्षेत्रवासियों को, काशीवासियों को, पूर्वांचल वासियों को? देखिए अश्विनी, चूंकि आप वाराणसी से काफी वाकिफ हैं तो मैं शुरुआत ही ऐसे करता हूं, चूंकि यह रिंग रोड पर शंकर आई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जो आप एयरपोर्ट से जब उतरेंगे तो जो हाईवे है उसके ही भरहुआ के पास जो है रिंग रोड है, जो आजमगढ़, गाजीपुर और चंदौली तक के जाने के लिए वो सड़क मार्ग है। तो इसी मार्ग से जब हम लोग आगे बढ़े तो सारनाथ एक जगह है जिसके बारे में आप भी जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए। भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दीक्षा अपने पांच शिष्यों को वहीं पर दी थी, भगवान बुद्ध के कारण ही सारनाथ को पूरे विश्व में जाना जाता है। दूसरा जो एक पर्यटन को, चूंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एक खास स्कीम जिसको प्री पुअर पर्यटन विकास योजना नाम दिया है सरकार ने, उसके तहत जो है जो वेंडर हैं, जो दुकानें लगाते हैं, उनको एक कार्ड दिया जा रहा है, साथ में एक है, एक लाइट है और डस्टबिन है। इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, कार्ड वो सारे कार्ड एक रंग के रंगे हुए हैं। अगर कभी आपका सारनाथ भ्रमण होगा तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से वो कार्ड लगे हुए हैं और लोग वो अपने जीविका के लिए ये दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो यहां से जाने के बाद जो कार्यक्रम संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में होना है, वहां पर कुछ लाभार्थियों को अपने हाथों से प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो इसी योजना के तहत, पर्यटन विकास योजना के तहत सारनाथ में जो ढेर सारे विकास कार्य किए गए हैं, पुनरोद्धार किए गए हैं, वो भी देखने योग्य है। पर्यटन का केंद्र है वाराणसी, यहाँ पर सारनाथ मुख्य जगह है, काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने, आप उस समय थे और एंकरिंग भी कर रहे थे, आप और अजय मिश्रा जो होगा आपको, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किस तरह से जी लोकार्पण हुआ और पर्यटन में वाराणसी की वृद्धि हुई है। तो प्रधानमंत्री का लगातार प्रयास रहता है कि किस तरह पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। जिस शंकर नेत्रालय, ये शंकर आई हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए वो लगातार कोशिशें करते रहते हैं। इसके अलावा जो नेशनल एक्सीलेंस सेंटर का भी आज औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे, लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री सिगरा स्टेडियम में। उन्नत किस्म की कई ऐसी तकनीक वहां पर लगाई गई है, कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे जो वाराणसी और आसपास के खिलाड़ी हैं वो अपने खेल में, अपने विधा में किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से देश का नाम रोशन करें, किस तरह से उनको सुविधाएं मिलें जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, वाराणसी और आसपास के जिलों का नाम रोशन कर सकें, भारत को नेतृत्व दे सकें, ऐसा ही उस स्टेडियम का उन्नत किस्म की जो व्यवस्था की गई है, जो उसको पुनरोद्धार किया गया है। तो फेज टू, फेज थ्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, वहां पर कुछ खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे।